राज बब्बर ने कहा, कांग्रेस अपने सिद्धांतों को ताक पर रख कर किसी से नहीं करेगी गठजोड़। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम के पक्ष में आए थे करने प्रेस वार्ता। मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन ने कराई वोट फॉर रन थीम से दौड़। डीएम सहित जिले के सभी हाकिमों ने दिखाया अपना दम। स्कूली बच्चों सहित भारी संख्या में प्रतिभागियों ने किया शिरकत। गोरखपुर पहुंचे वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, जल्द ही पूरा होगा चिड़ियाघर का काम। विनोद भवन भी बनेगा पर्यटक केंद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक। पोलिंग पार्टियों के रवानगी और स्ट्रांग रूम की दी गई जानकारी। चित्रगुप्त मंदिर के सम्मान समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भाजपा प्रत्याशी पर नहीं पड़ेगा गठबंधन का असर। राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने किया साइकिल का साथ, कहा सपा के साथ ही है किसानों का भी हित। हमेशा के लिए बंद हो गया कौवा बाग क्रॉसिंग का रेलवे ढाला, जल्द ही पूरा होगा अंडरपास। गोलघर के अतिक्रमण पर चला नगर निगम प्रशासन और यातायात पुलिस का चाबुक। दीक्षा भवन में प्रशिक्षण ले रहे मतदान कर्मियों को डीएम ने दिए टिप्स, कहा सकुशल संपन्न कराएं चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व आयोजित गोष्ठी में महिलाओं के अधिकार पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। पीठासीन व मतदान अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए किया गया प्रशिक्षित। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ होली मिलन समारोह। भाई जी की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में आतिफ एकेडमी ने रेलवे वर्कशॉप पर 9 रनों से की रोमांचक जीत।